एसएसपी ने कहा कि विवेचना के बाद होगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रकरण में दो वरिष्ठ शिक्षकों के विरुद्ध SC ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होने से आक्रोशित शिक्षकों ने मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर VK सिंह से मुलाकात कर नाराजगी व्यक्त की। शिक्षक समुदाय में इस बात को लेकर जबरदस्त आक्रोश था कि विश्वविद्यालय प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, संबंधित छात्र को कुलपति द्वारा निष्पक्ष जाँच के आश्वासन और मुख्यमंत्री से इस मामले में समय जाँच में पूर्व पुलिस कार्रवाई रोकने की के बावजूद शिक्षकों के खिलाफ बाहरी तत्वों के दबाव में अभियोग पंजीकृत किया गया। शिक्षक संघ के नेतृत्व में कुलपति ने इस मुद्दे पर आक्रोश जताते हुए मांग की कि विश्वविद्यालय प्रशासन जिला प्रशासन से तुरंत संपर्क करके जांच रिपोर्ट आने तक पुलिस कार्रवाई स्थगित रखने को कहें। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय शिक्षक न केवल बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे बल्कि प्रशासन के समक्ष सामूहिक गिरफ्तारी भी देंगे। शिक्षकों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि यदि प्रशासन इस बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं देता है तो शिक्षक सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य होंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि मामले में अगर पुलिस हस्तक्षेप करती है तो बुधवार से शिक्षक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने कहा कि कैंट थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। SSP शलभ माथुर ने कहा, और ये जनरली बताया गया है, कभी कार्यगत किया गया है क्योंकि उनके जो खिलाफ शिकायत है लड़कों की भी डिमांड थी कि निलंबित किया जाए। मैंने उनको यही बताया कि लड़कों को निलंबित नहीं किया जा सकता, क्या दूसरा जो भी दूसरा आरोपण छात्र के द्वारा किया गया है और दूसरा आरोपण भी मामूली नहीं है, लड़की ने प्रयास किया है, तो गंभीरता को देखते हुए उनको फिलहाल टेम्पररी अपने पद से हटाया गया है। कोई ऐसा पदच्युत नहीं कर दिया गया है। न्याय हमारी जाँच चल रही है, तब तक वो पद से नहीं हटे रहेंगे तब तक काफी प्रभावित नहीं योगदान देते रहेंगे। और ये पद जो प्रशासनिक पद है उसके ऊपर जो आरोप है वो प्रशासनिक पद के रूप में जो हेड के रूप में उन्होंने जो है बैठ के, चाहे वो गलत हो आरोप या सही हो, तो जांच के बाद पता लगेगा। हमारे कल की कार्यकारिणी समिति ने जो प्रस्ताव पास किया था और यह था कि कल 11 बजे आज की तिथि पे 11 बजे हम लोग कुलपति से मिलेंगे। उन प्रस्तावों के साथ हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय करीब 150 से 200 अध्यापक कुलपति से आज मिले हैं हमारे साथ। और हम लोगों ने जो हमारा प्रस्ताव पास था कि बिन जो आंतरिक कमेटी बनी हुई है, बगैर आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट आए कि पहले ही पुलिस प्रशासन ने जो FIR दर्ज किया उसका विरोध दर्ज कराया हम लोगों ने। और दूसरा ये है कि कार्यकारिणी समिति ने अभी प्रस्ताव पास किया था कि जो आंतरिक कमेटी गठित है वो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। और जहाँ तक मुझे जानकारी आज प्राप्त हुई कि आज वो जांच समिति बैठी थी, जो कुछ भी उस पर अपना कार्य की होगी। और साथ ही साथ कुलपति से कुलपति ने कहा कि हम जिला प्रशासन को पत्र लिखेंगे। हम लोगों ने मांग की थी उनको पत्र लिखा जाए कि जब तक आंतरिक जांच समिति नहीं हमारी रिपोर्ट आए तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। और हमने ये भी कहा था कि जब माननीय मुख्यमंत्री को हमने दिया था कि विस्तृत जांच किया जाए, जांच की होने के पूर्व कोई इस तरह की कार्रवाई न हो, जैसा कि शासन की भी मंशा है कि किसी निरी व्यक्ति को या निर्दोष व्यक्ति को SC ST कानून के तहत न फंसाया जाए। इस मंशा के अनुरूप हम ये चाहते हैं कि विस्तृत जांच हो जाए, उसके बाद जांच में यदि कोई जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। और इससे संबंधित हम लोगों ने मंडलायुक्त को और DM को SSP को पत्र हम लोगों ने दिया है कि विश्वविद्यालय का ये आंतरिक मामला विश्वविद्यालय जांच समिति बैठा रखा है और जांच समिति की रिपोर्ट आने के पूर्व और माननीय मुख्यमंत्री के मिलने के उनके आश्वासन के बाद कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद जिला प्रशासन ने FIR दर्ज पुलिस प्रशासन ने किया है, उसकी शिक्षकों ने घोर निंदा की है और आक्रोश व्यक्त किया है कि यदि उन शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई या उनकी गिरफ्तारी हुई
तो हमारे शिक्षक, सारे शिक्षक एक साथ गिरफ्तारी देंगे। और साथ ही साथ कल हम लोगों ने निर्णय लिया, कल हमारे शिक्षक जो शिक्षण कार्य करने जाएंगे तो काली पट्टी बांध करके ही शिक्षण कार्य करने जाएंगे। उस विरोध में कि माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बावजूद, अब विश्वविद्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर रखा है। इससे हमारे सभी शिक्षक बहुत ही आक्रोशित एवं भयभीत महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में हम कैसे काम करेंगे कि किसी के एक आवेदन दे देने से, किसी के एक कंप्लेंट कर देने से FIR दर्ज हो जाएगा और जो शिक्षक जो है या जो विभाग अध्यक्ष हैं, जो संकाय अध्यक्ष हैं, वो सदैव भयभीत रहेंगे कि कहीं जेल न जाना पड़े। इसलिए कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले वो बहुत घबरा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि यदि कार्रवाई होती है शिक्षकों के विरुद्ध तो हम लोग एक साथ सभी शिक्षक गिरफ्तारी देंगे और कल उसके विरोध में जो FIR दर्ज किया गया हम लोग काली पट्टी बांध करके कार्य करेंगे। और हम कल प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री संभवतः कल फिर गोरखपुर आ रहे हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से पुनः फिर मिलूँ और इस पूरी प्रकरण की जानकारी उनको उपलब्ध कराऊँ। इस संदर्भ में अभी वो पंजीकृत किया गया थाना कैंट के अंदर और एक राजपत्र अधिकारी के रूप में CO कैंट इसकी विवेचना करेंगे। विवेचना का निस्सारण गुण दोष के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे यथाशीघ्र किया जाएगा। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा भी अपने आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया की गई है, वो एक अलग प्रशासनिक प्रक्रिया जो विधिक कार्रवाई है साक्ष्यों के आधार पर हम लोग के द्वारा यथाशीघ्र की जाएगी।